हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 58वां दिन और आज के दिन मैं आपको सिखाने वाला हूं बल्क टेंस। अब आप सोचोगे ये बल्क टेंस क्या है, हल्के भैया है क्या? अरे बल्क टेंस मतलब वही प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ये टेंस हालांकि मैंने आपको शुरू के दिनों में सिखा दिए थे, लेकिन इनका एक दूसरा इस्तेमाल भी होता है, उन्हीं को बल्क टेंसेस कहते हैं और आज आपके सामने ये सारे राज खुल जाएंगे। अरे वही डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, मेरे घर पहुंचने से पहले वह यहां से निकल लिया था, इसका एक कमाल का ही अलग रूल होता है। तो यही मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। अब बल्क टेंस की पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चले गए, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज 58वें दिन मैं आपको सिखाता हूं बल्क टेंसेज। अब भैया सबसे पहले बात करते हैं इस टेंस की जो मेरी खोपड़ी के ऊपर इतनी देर से लटका हुआ है, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इस टेंस की पहचान ऑलरेडी मैं शुरुआती दिनों में आपको बता चुका, फिर भी एक बार याद दिला देता हूं। देखो भैया, जिन हिंदी वाक्यों के एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, लिया है, दिया है, किया है, आए, उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। अरे चुका है, चुकी है, चुके हैं, जैसे मैं चुका हूं, वह मर चुकी है, वह खा चुके हैं, आ है, ये है, ए है, जैसे मैंने देखा है, हमने आइसक्रीम खाई है, उन्होंने सेब खाए हैं, लिया है, दिया है, किया है, जैसे मैंने खाना खा लिया है, उन्होंने पैसे दे दिए हैं, उन्होंने गेम जीत लिया है। तो ये वाले हो तो उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और इसका फॉर्मूला पता है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल जैसे आई यू वी के साथ हैव लगता है। अब यहां तक तो ठीक था, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट को आता है। आओ इसका बल्क में इस्तेमाल करके देखते हैं और सुनो, बल्क में इस्तेमाल करने का फॉर्मूला है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आफ्टर या बिफोर आएगा। अब तुम्हें आफ्टर या बिफोर की हिंदी बताओ। अरे आफ्टर का मतलब के बाद, बिफोर का मतलब से पहले, आफ्टर का मतलब के बाद, बिफोर का मतलब से पहले, आफ्टर का मतलब के बाद, बिफोर का मतलब से पहले। ठीक है, याद हो गया ना, अपने कान के पर्दे खोल लो। तो ये हो गया। अब उसके बाद जो भी सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। सत्यानाश, अब तुम्हें ये बताओ ये सिंपल प्रेजेंट किसे कहते हैं? अरे वही प्रेजेंट डेफिनेट के पहले रूल को सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। राम गोज, रवि गोज, आई कम, यू कम, शी कुक्स, ताहे तीहे वाला जो होता है ना, जिसमें एस आई एस लगता है, सिंगुलर के साथ प्लूरल के साथ नहीं लगता है, वही सिंपल प्रेजेंट कहलाता है। तो जब भी पहला वाला प्रेजेंट का परफेक्ट हो, हैज है वाला, उसके बाद आफ्टर या बिफोर लगा के जो सेंटेंस होगा वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा। अब इसके दो एग्जांपल देता हूं, फिर पास्ट वाले की बात करेंगे, फिर फ्यूचर वाले की, फिर तुम अपने अपने घर भाग जाना सारे। आओ इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरा एग्जांपल है, तुम्हारे जाने से पहले राम आ चुका है, तुम्हारे जाने से पहले राम आ चुका है। अब इस सेंटेंस में देखो क्या लिखा हुआ है, तुम्हारे जाने से पहले राम आ चुका है। अब इसके लास्ट में क्या आ रहा है, चुका है, यानी प्रेजेंट का परफेक्ट ही है ये। तो अब ये बल्क में हो गया। अगर ये खाली ऐसा होता राम आ चुका है तब तो ये सिंपल बनता, लेकिन तुम्हारे जाने से पहले राम आ चुका है तो यहां पर यह बल्क में हो गया, यानी इसके साथ एक और सेंटेंस जुड़ गया। आओ इसे बनाते हैं और फॉर्मूले में उंगली रख रख के बनाना, नहीं तो पिट जाओगे तो मेरे हाथों। ठीक है, अच्छा तुम्हारे जाने से पहले राम आ चुका है, इसमें दो सेंटेंस है, तुम्हारे जाने से पहले और दूसरा है राम आ चुका है। तो पहले राम आ चुका है बनाएंगे, क्योंकि चुका है, चुकी है, इसी में जुड़ा हुआ है, टेंस यहीं से पता चल रहा है, तो पहले यही बनेगा। राम आ चुका है, राम हैज कम, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है इसलिए कम लिख दिया मैंने, वैसे ये थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट नहीं है, कभी तुम समझो। राम हैज कम, राम आ चुका है। अब तुम्हारे जाने से पहले के लिए लिखेंगे बिफोर, राम हैज कम बिफोर। अब बचा तुम्हारे आने, अब ये कैसे बनाए, तो अभी तो बताया कि अगर पहला वाला प्रेजेंट का परफेक्ट हो तो उसके बाद वाले सारे सिंपल प्रेजेंट बनेंगे, तो ये बनेगा तुम्हारे आने, तुम्हारे जाने, यू गो, अगर सिंगुलर होता शी गोज, ही गोज, सरताज गोज, ऐसे ही ऐसा लग जाता, लेकिन आई यू वी के साथ नहीं लगता सिंपल प्रेजेंट में, तो यू गो। सो राम हैज कम बिफोर यू गो, तुम्हारे जाने से पहले राम आ चुका है। समझ में आ गई ना बात? आओ एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैं कहूं, एक तो एग्जांपल दिमाग में भेजे में नहीं घुसते ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, जैसे कि
मेरे पूछने से पहले वह बता चुकी है। नहीं ये नहीं लेते, इसमें मेरे पूछने से पहले आई आस्क हो जाएगा, कोई ऐसा लेते हैं जिसमें ऐसे आई एस लग जाए, जैसे हाँ सचिन के खेलने से पहले धोनी खेल चुका है, ये अच्छा लग रहा है। तो सचिन के खेलने से पहले धोनी खेल चुका है, तो देखो इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे धोनी खेल चुका है, चुका है में जा रहा है, धोनी हैज प्लेड, धोनी खेल चुका है, धोनी हैज प्लेड से पहले बिफोर, धोनी हैज प्लेड बिफोर सचिन के खेलने, सिंपल पर्सन में जाएगा सचिन प्लेज, धोनी हैज प्लेड बिफोर सचिन प्लेज, ऐसे बनेगा। आई ना कितनी मजे की बात। अब इन दोनों एग्जांपल्स में एक बात और बता दूं कि ये सिंगुलर था इसलिए हैज लग गया, प्लूरल होता तो हैव लगता। और इसके बाद भैया एक और चीज है कि जरूरी नहीं है चुका है, चुकी है, आ है, ई है में भी हो सकता है, जैसे सचिन के खेलने से पहले धोनी खेला है तो आ है, ई है भी यही है, तो यही वाला सेम बनेगा। सचिन के खेलने से पहले धोनी खेल लिया है तो लिया है, दिया है, किया है भी यही है, तो वो भी ऐसे का ऐसे ही बनेगा। तो मैंने तो चुका है, चुकी है पे ले लिया, तो दोनों एग्जांपल यही वाली एग्जांपल इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है ज्यादा पॉपुलर है। तो इसी तरीके से आप ढेरों सेंटेंस बना सकते हो, मेरे पूछने से पहले वह बता चुका है, मम्मी के खाना बनाने से पहले बच्चे पिज्जा खा चुके हैं, पापा के आने से पहले हमने होमवर्क कर लिया है। इसमें नहीं वाले भी बना सकते हो, जैसे सचिन के खेलने से पहले धोनी नहीं खेल चुका है तो धोनी हैज नॉट प्लेड, बस ऐसे ही आ जाएगा, या सचिन हैज नॉट प्लेड, जो भी आपका बाद वाला सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। ये नॉट फॉर जो भी लगेगा ये हैज के साथ ही लगेगा, बाद में नहीं लगेगा। आओ अब बात करते हैं पास्ट वाले की, तो ध्यान से सुनो, पास्ट वाला जो होता है उसका नाम होता है, मेरी खोपड़ी के ऊपर फिर से चिपकने वाला है, चिपक गया, पास्ट वाले का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट, और इसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, लिया था, दिया था, किया था। चुका था, चुकी थी, चुके थे, जैसे मैं जा चुका था, वह आ चुका था, वह गिर चुकी थी, वह मर चुकी थी, आ था, ई थी, ए थे, जैसे मैंने खाया था, मैंने पिया था, हमने देखा था, हमने सेब खाए थे, लिया था, दिया था, किया था, जैसे मैंने खा लिया था, उसने पूछ लिया था, मैंने पढ़ लिया था। और इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें हेड लगता है, हैज की तरह सिंगुलर प्लूरल का लफड़ा नहीं है, सबके साथ हेड ही लगता है। लेकिन बल्क में देखो कैसे बनेगा, इसके बाद लगेगा आफ्टर या बिफोर। आफ्टर का मतलब के बाद, बिफोर का मतलब से पहले, बार बार बता रहा हूं ताकि याद हो जाए, अगर याद नहीं है तो। और उसके बाद वाले सारे सेंटेंस सिंपल पास्ट में बनेंगे। तो अभी जो हमने सेंटेंस करा था इससे पहले प्रेजेंट वाला, उसके बाद वाले सारे सिंपल प्रेजेंट में बन रहे थे, लेकिन अगर पास्ट का परफेक्ट है तो उसके बाद वाले सारे सिंपल पास्ट में बनेंगे। और सिंपल पास्ट किसे कहते हैं, वही सेकंड फॉर्म वाला, आई सॉ, यू सॉ, शी गो, वेंट, आई आस्क्ड, वही जिसमें सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट का इंडेफिनिट, उसे सिंपल पास्ट बोलते हैं। और इस पर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब यहां पर देख रहे हैं रोगी का गेम बच गया था, आई मीन डॉक्टर, रोगी मर चुका था कब, डॉक्टर के आने से पहले, तो रोगी मर चुका था, मिल गया पास्ट का परफेक्ट। इसी को ही पहले उठा लेते हैं, रोगी मर चुका, क्योंकि ये पूरा है ना इसके साथ चुका था जुड़ा हुआ। अब डॉक्टर के आने अभी बाद में बनाएंगे, रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, अब हैड क्योंकि चुका था, और डाई के थर्ड फॉर्म क्योंकि हैड के साथ लगती है थर्ड फॉर्म। अब से पहले के लिए बिफोर, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, अब डॉक्टर के आने को कैसे बनाए, डॉक्टर कम्स, नहीं कम्स तो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, और जब पास्ट का परफेक्ट पहले लिखा हो तो सिंपल प्रेजेंट नहीं, सिंपल पास्ट बनता है, सिंपल पास्ट में लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो डॉक्टर केम, तो द लगाना पड़ेगा, द डॉक्टर केम, सो द पेशेंट हैड द डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, रोगी के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था, मैं गलत बोल रहा, आई मीन डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। एक बार फिर से देखते हैं, जैसे धोनी के आने से पहले सचिन मैच जीत चुका था, धोनी के आने से पहले सचिन मैच जीत चुका था, तो सबसे पहले बनाएंगे सचिन मैच जीत चुका था, या सचिन ने मैच जीत लिया था, या सचिन ने मैच जीता था, चुका था, आ था, लिया था, बात एक ही है। तो सचिन मैच जीत चुका था, सचिन हैड वॉन द मैच, सचिन हैड वॉन द मैच। अब धोनी के आने से पहले बिफोर, पहले, अब धोनी के आने, सेकंड फॉर्म धोनी केम, सचिन हैड वॉन द मैच बिफोर धोनी केम। अगर होता धोनी के नहाने से पहले सचिन मैच जीत चुका था तो सचिन हैड वॉन द मैच बिफोर धोनी बाथड, या टेक टुक बाथ, सेकंड फॉर्म लगानी है ना, तो ये हो गया तरीका। अब आप खूब सारे बनाओ, मेरे आने से पहले तुम आ चुके थे, मम्मी के पूछने से पहले मैंने उन्हें सब बता दिया था, आ था, और पापा के आने से पहले हम खाना खा चुके थे। नहीं वाले भी बनाओ, पापा के आने से पहले हम होमवर्क नहीं कर चुके थे, या हमने होमवर्क नहीं किया था, we had not completed homework before father came, अब ऐसे ऐसे आप खूब निकालो। अब बात करते हैं भैया फ्यूचर वाले की, ये दो कंप्लीट हो गए, हमारी खोपड़ी के ऊपर आप लिखा हुआ देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट।
अब फ्यूचर परफेक्ट की पहले मैं आपको पहचान बता देता हूं, और इसकी पहचान है चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, वह जा चुका होगा, वह मर चुकी होगी, वो खेल चुका होगा, वह जीत चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ओ ए होंगे, मैंने देखा होगा, उसने पूछा होगा, उसने सेब खाए होंगे या उसने आइसक्रीम खाई होगी, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, उसने पूछ लिया होगा, मैंने देख लिया होगा, हमने खाना खा लिया होगा। अब ये तो हो गया, चलो ठीक है। अब इसका फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, हैव, शैल का तो यूज ही नहीं होता, आई वी के साथ चाहे तो लगा सकते हैं, तो हमारा मेन फोकस विल पे ही रहेगा, क्यों नहीं होता उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाली वीडियो देखना। तो विल हैव शैल हैव में से कोई एक चीज, सब जगह विल ही लगा सकते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो हो गया फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला। अब बल्क बनाने के लिए इसके बाद आफ्टर या बिफोर, आफ्टर का मतलब के बाद, बिफोर का मतलब से पहले, आफ्टर का मतलब के बाद, बिफोर का मतलब से पहले, और उसके बाद वाला आप रुक जाओ। जब प्रेजेंट का परफेक्ट था तो उसके बाद वाला सिंपल प्रेजेंट में बन रहा था, जब पास्ट का परफेक्ट था तो उसके बाद वाला सिंपल पास्ट में बन रहा था। तुम माइंड लगा रहे होगे कि ये सिंपल फ्यूचर में बनेगा, और बिल्कुल कवाड़ा माइंड लगा रहे हो तुम, क्योंकि इसके बाद वाला सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। तो प्रेजेंट का परफेक्ट और फ्यूचर का परफेक्ट, ये दोनों भैया भैया, इनके बाद वाले हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनते हैं, बस पास्ट वाले का सिंपल पास्ट बनेगा, यानी सिंपल फ्यूचर का कोई काम नहीं है। दो के साथ सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट और फ्यूचर वाले में, और एक के साथ यानी पास्ट वाले के साथ सिंपल पास्ट। आओ इस पर एग्जांपल है, सिंपल प्रेजेंट वही ताहेती है वाला रूल। आओ इस पर एग्जांपल है, जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेल जा चुकी होगी, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेल जा चुकी होगी। अब देखो इसमें लास्ट में लिखा है चुकी होगी, चलो इसे ही बना लेते हैं, रेल जा चुकी होगी, द ट्रेन विल हैव डिपार्चर्ड। अच्छा जाने को गो भी बोलते हैं, तो तुम्हारे दिमाग में गोन आ रहा है, थर्ड फॉर्म तो लिख सकते हो, लेकिन रेल के साथ ना थोड़ी उसकी इज्जत बना के रखो। आने को रेल अराइव बोलते हैं, जाने को डिपार्चर बोलते हैं, मैंने उसकी थर्ड फॉर्म लगाई है, द ट्रेन विल हैव डिपार्चर्ड, गोन भी कर सकते हैं, ज्यादा खुजली हो रही है। तो अब मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले के लिए बिफोर, अब मेरे स्टेशन पहुंचने, अब यहां पर सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, तो आई रीच स्टेशन, या आई रीच द स्टेशन, आई रीच एट द स्टेशन, मैंने नॉर्मल लिखा आई रीच स्टेशन। तो आई रीच क्यों लिखा, एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ही शी नेम इट के साथ सिंपल प्रेजेंट में लगता है, आई यू विद पास्ट सिंपल प्रेजेंट में प्लूरल के साथ नहीं लगता, और आई प्लूरल में काउंट होता है। अब ये सिंपल पास्ट होता है, रीच की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ती है, लेकिन सिंपल पास्ट यूं नहीं बनाएंगे, क्योंकि इससे पहले वाला फ्यूचर का है, और फ्यूचर का हो तो उसके बाद वाला हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, अबे हम बाद वाले ले, यानी हम से पहले, उसके डॉक्टर के आने से पहले, या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, बाद वाला एक भी नहीं लिया, बाद वाले ले लेते हैं। जैसे राम के जाने के बाद रानी ने खाना खाया होगा, राम के जाने के बाद रानी ने खाना खाया होगा। अब लास्ट वाला है, रानी ने खाना खाया होगा। अब देखो आ होगा, ये वही वाली पहचान आ गई जो लिखी हुई है ऊपर, आ होगा, ई होंगे, ए होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे। तो राम के जाने के बाद रानी ने खाना खाया होगा। अब रानी ने खाना खाया होगा, रानी विल हैव ईटन द फूड, ईट की थर्ड फॉर्म, रानी विल हैव ईटन द फूड, रानी ने खाना खाया होगा। के बाद आफ्टर, अब राम के जाने तो सिंपल प्रेजेंट बनेगा, क्योंकि इससे पहले वाला अभी अभी फ्यूचर में जो बनाया है, तो राम के जाने राम गोज, सिंगुलर के साथ ऐसे ही ऐसे लगता सिंपल प्रेजेंट में। सो रानी विल हैव ईटन द फूड आफ्टर राम गोज, राम के जाने के बाद रानी ने खाना खाया होगा। अरे भैया बड़ा मुश्किल में समझ जाता हूँ मैं तुम्हें, मेरी समझ में नहीं आता तुम्हें, और कौन कौन से तरीके समझाऊं। आप इस वीडियो को 2,500 बार देखना, आई एम श्योर फिर आपके दिमाग में बल्क टेस्ट बस जाएंगे। और अगर कोई डाउट है तो आने वाले टाइम पे आपके लिए आ रही है डाउट क्लासेस, जिसमें मैं आपके सारे डाउट खत्म कर दूंगा, ऐसे जादू फेर दूंगा। अब बारी है आपके होमवर्क की, कहना तो नहीं पड़ेगा, कहना ही पड़ेगा, ये ऐसे नहीं मानती है, लगा दो इनके लिए होमवर्क। ये रहा आपका होमवर्क, अब इसमें वही बल्क टेंसेस दिए गए, प्रेजेंट के, फ्यूचर के, पास्ट के। अब अपनी खोपड़ी चलाना और ध्यान से देखना, और जब आपको लगना अच्छा अच्छा याद आ गया, याद आ गया, हाँ हाँ ऐसे बनेगा, जब ऐसे लगने लगे, दिल को तसल्ली से हो जाए, अपनी नोटबुक में इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, 70-80 बार उसे फेयर कर लेना, ताकि बेइज्जती ना हो। जब लगे कि 100% करेक्ट है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर पोस्ट कर देना, मैं लाइक कर चेक कर दूंगा, गलती करोगे तो तुम्हारे घर पर ही आके तुम्हारे को बता दूंगा, उड़ता आऊंगा खिड़की तोड़ के तुम्हारे घर में। अब ठीक है, तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो बल्क टेंसेस के ऊपर। आई एम श्योर कि आपकी नॉलेज वॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी, और डरो मत, ये मत सोचो 58 डेज हो गए सर हमें छोड़ के जा रहे हैं, हमारे बेचारे कितने अच्छे सर थे, इतना मत रहो मेरे, अभी अभी मैं बहुत अभी सही हूं, मैं बिल्कुल ठीक, अभी आने वाले टाइम पे आपके लिए बहुत लंबे समय के लिए मैं चिपकने वाला हूं आपसे फेविकोल के साथ। तो आप कुछ भी नहीं करना, इस वीडियो को एक प्यारा सा, एक टुच्चा सा, एक नन्ना मुन्ना सा लाइक देकर जाना।